पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने में जुटा चुनाव आयोग हर वैसे अधिकारी को चुन रहा है जो संबंधित कार्यों से अलग काम कर रहे हैं, जिन पर पक्षपात करने का अंदेशा है या फिर जिनकी राजनीतिक झुकाव स्पष्ट हो चुका है। और इसी सिलसिले में विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने एक और बड़ा फैसला किया। आयोग ने राज्य में डीजीपी वीरेंद्र का तत्काल प्रभाव से तबादला करते हुए उनकी जगह 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी निरंजन को नियुक्त किए जाने के आदेश दिए हैं और यही फैसला डीजीपी वीरेंद्र के बर्ताव के प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने पर लिया गया। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि तबादला होने के बाद भी वीरेंद्र को चुनाव से संबंधित कोई भी जिम्मेदारियां न दी जाएं। चुनाव आयोग के इस फैसले से तिलमिलाई टीएमसी ने तुरंत अपनी सियासत शुरू कर दी। पार्टी के सीनियर नेता सौगत राय ने कहा कि हमने ये पहले ही कहा था कि हमें आयोग के निर्णय में राजनीतिक प्रभाव लग रहा है, आयोग वो कर रहा है जो बीजेपी की मांग है। इसके पहले पोल पैनल ने तमिलनाडु के दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया। इसमें चेन्नई के इनकम टैक्स के जॉइंट कमिश्नर केजी अरुणराज और चेंगलपत्तू एसपीडी कन्नान भी शामिल हैं। इनके खिलाफ भी प्रतिकूल रिपोर्ट आने के बाद आयोग ने इनके विरुद्ध कार्यवाही की। कन्नान का तबादला एक एफआईआर के कारण हुआ जिसमें एक महिला आईपीएस ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और इसी शिकायत को देखते हुए कमीशन ने न केवल कन्नान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया बल्कि इस केस में आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए भी कहा। चुनाव आयोग ने बंगाल मुख्य सचिव से डीजीपी वीरेंद्र की पोस्टिंग को लेकर बुधवार 10 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। वहीं सीबीडीटी को अरुण राज से संबंधित रिपोर्ट भेजने को भी सुबह 10 बजे तक का समय दिया गया और इसी तरह कन्नान को लेकर रिपोर्ट की मांग तमिलनाडु के मुख्य सचिव से की गई, लेकिन समय उन्हें भी बुधवार सुबह 11 बजे तक का ही दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले के बाद इसे राजनीतिक हस्तक्षेप करार दिया। पार्टी सांसद सौगत राय ने कहा, पहले उन्होंने 8 चरणों में वोटिंग तय की और अब ट्रांसफर। वीरेंद्र एक अच्छे अधिकारी हैं, वह जो भी कर लें टीएमसी ये चुनाव जरूर जीतेगी। बीजेपी के प्रवक्ता क्षमित भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जब हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा था, वह मारे जा रहे थे, हमें प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। जाहिर है ऐसा चलने वाला नहीं था। हमें उम्मीद है कि इस निर्णय से प्रशासन में निष्पक्षता आएगी। माना जा रहा है कि अभी और अधिकारियों पर तबादलों की गाज गिरेगी। पश्चिम बंगाल के स्पेशल जनरल ऑब्जर्वर अजय नायक और स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर विवेक दुबे और मृणाल कांति दास ने आयोग को कुछ दिन पहले इस बाबत रिपोर्ट भेजी थी और वीरेंद्र की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे। रिपोर्ट में वीरेंद्र का झुकाव टीएमसी की ओर बताया गया था। बीजेपी पहले से ही डीजीपी वीरेंद्र पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी होने और उनके निर्देश पर काम करने का आरोप लगाती रही है। दूसरी ओर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी डीजीपी वीरेंद्र के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं। कुछ महीने पहले जब बंगाल के सीमावर्ती मुर्शिदाबाद जिले से एनआईए ने अलकायदा के कई आतंकियों को गिरफ्तार किया था तो राज्यपाल ने सीधे तौर पर डीजीपी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। राज्यपाल का कहना था कि एनआईए दिल्ली से आकर आतंकियों को गिरफ्तार कर ले जाती है, लेकिन राज्य पुलिस को कोई इसकी जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम सीट पर लड़ी जा रही है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं और इसी बड़ी जंग में ममता बनर्जी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। शुभेंदु नंदीग्राम में लगातार चुनाव जीतते आ रही हैं और ममता बनर्जी शुभेंदु के इसी गढ़ में आकर उन्हें ललकार रही हैं और इस बड़ी और कड़ी सियासी लड़ाई की शुरुआत करने ममता बनर्जी पूरे तामझाम के साथ नंदीग्राम पहुंची। सभा की और सभा में खुद को रणचंडी साबित करने के लिए ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया, लेकिन ममता बनर्जी जोश में होश खो बैठी और मंत्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाई। ममता ने गलत चंडी पाठ क्या किया, शुभेंदु अधिकारी ने पलट कर ममता बनर्जी पर हल्ला बोल दिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर बंगाल की संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने भगवान राम का कई बार अपमान किया था, गलत सरस्वती मंत्र का पाठ किया, उन्होंने फिर से जनसभा में गलत मंत्रों का जाप किया और इस तरह उन्होंने बंगाल की संस्कृति का बार बार अपमान किया। बंगाल के लोग उसे नहीं चाहते जो बंगाल का अपमान करे। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कहा कि नंदीग्राम ने मुझे स्वीकारा, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। लोग फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं गांव की बेटी हूँ। नंदीग्राम के आंदोलन को मैं पूरे देश में लाने में कामयाब रही थी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, मैं भी हिंदू हूँ और मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो। मैं सुबह चंडी पाठ करके घर से निकलती हूँ, मैं चंडी पाठ सुन रही हूँ, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो सुन ले। इसके बाद ममता बनर्जी ने 3 मिनट तक
चंडी पाठ किया। इस दौरान टीएमसी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। ममता बनर्जी ने इस बार अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट के बजाय नंदीग्राम का रुख किया। भवानीपुर में ही उनका घर भी है। ममता ने शुभेंदु की चुनौती स्वीकार करते हुए नंदीग्राम सीट चुनी है। वहीं भवानीपुर सीट से उन्होंने अपने करीबी शोभन देव चट्टोपाध्याय को उतारा है। ऐसे में नंदीग्राम के महामुकाबले पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी मजबूर होकर उसी मैदान पर खेलने की कोशिश कर रही हैं जो बीजेपी का। इसे ममता बनर्जी की मजबूरी कहें या फिर अमित शाह की बिछाई हुई बिसात, जिसमें एक तरह से ममता बनर्जी बुरी तरह से फंस चुकी हैं। चंडी पाठ, काली पाठ और अब ब्राह्मण कार्ड। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे साथ धर्म का कार्ड मत खेलिए, मुझे हिंदू धर्म मत सिखाइए। ममता ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी भवानीपुर से निकलकर नंदीग्राम में चक्रव्यूह में उलझ गई हैं, जहां मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है। उधर नंदीग्राम सीट पर नामांकन से पहले ममता रेयापाड़ा स्थित 1000 साल पुराने महारुद्र सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करने के लिए पहुँच रही है। बीजेपी जिस टोन में चुनाव को आगे बढ़ाना चाहती है, लगता है ममता उसी रास्ते पर कदम बढ़ा रही है। तो क्या अमित शाह ने बंगाल का जो गेम प्लान बनाया, ममता बनर्जी उसमें उलझ गई हैं? 11 फरवरी को कूचबिहार की रैली में अमित शाह ने कहा था कि चुनाव आते आते ममता दीदी भी जय श्री राम का नारा लगाने लगेंगी। जय श्री राम का नारा तो नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में चंडी पाठ का 3 मिनट तक का सार्वजनिक रूप से पाठ किया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, ममता या अमित शाह जो कह रहे हैं उसमें सीधा गणित है कि अगर वहां पर हिंदू वोट एकजुट हो गया तो ये किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसी को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने अपना रंग बदला है। हकीकत ये है कि इस चुनाव में क्यों हिंदू हिंदू करना पार्टियों के लिए मजबूरी है। हिंदू कंसोलिडेशन का एक लेवल जब आ जाता है तो उसके बाद जो सेक्युलर है वो भी, जैसे कांग्रेस भी यही गाना गाएगी। हिंदू अगर जाति में बंटा हो तो दिक्कत नहीं, हिंदू हिंदू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बंगाल में 70% हिंदू हैं और वे कंसोलिडेट हो रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए पिछले चुनाव का आंकड़ा भी चिंता का सबब है। 2011 में ममता बनर्जी ने भवानीपुर में 77.46% वोटों के साथ CPM की नंदिनी मुखर्जी को करीब 95,000 वोटों से शिकस्त दी। लेकिन इसके 5 साल बाद 2016 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो ममता की जीत का अंतर बहुत कम हो गया। इस बार ममता को 65,520 वोट मिले, यानी 2011 में जितना उनकी जीत का अंतर था उससे भी 30,000 कम वोट उन्हें मिले। कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को 40,219 वोट हासिल हुए। इस बार दीदी ने 25,301 वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन 2011 के मुकाबले उन्हें कम वोट मिले। बीजेपी के चंद्रकुमार बोस को इन चुनावों में 26,291 वोट मिले। ऐसे में टीएमसी विरोधी वोटों को जोड़ें तो ममता को मिले वोटों से ज्यादा है। साथ ही ये फैक्टर भी अहम है कि पिछला चुनाव हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति पर नहीं हुआ था। ममता बनर्जी इस बार अपने घर में ही घिर सकती हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी की स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव में कमजोर हुई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ वार्ड में बीजेपी को ठीक ठाक वोट मिले थे, एक वार्ड में पार्टी जीती भी थी। जाहिर है बीजेपी का कुछ वार्ड्स में उभार टीएमसी के लिए चिंता का विषय है, और हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भवानीपुर के वार्ड नंबर 72 स्थित गिरीश चंद्र रोड पर प्रोग्राम किया था। ममता बनर्जी का घर वार्ड नंबर 73 में हरीश मुखर्जी रोड पर है। रतन मालाकार उसी वार्ड के टीएमसी पार्षद हैं। बीजेपी की रणनीति है कि ममता को उनके ही गढ़ में हराया जाए। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। 5 राज्यों का चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन कांग्रेस में बगावत का बिगुल तेजी से बज रहा है। केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के सांसद PC चाको ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ग्रुप 23 के नेताओं से परेशान चल रही सोनिया गांधी के लिए चाको का इस्तीफा किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजते हुए चाको ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पार्टी गुटबाजी से ग्रस्त है और पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज है ही नहीं। कुछ ऐसे ही आरोप ग्रुप 23 के नेता भी लगा रहे हैं। चाको ने कहा कि केरल कांग्रेस की टीम के साथ काम करना काफी मुश्किल है। उन्होंने त्याग पत्र में कहा, मैंने पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन केरल कांग्रेस टीम के साथ काम करना वास्तव में मुश्किल है। मैं कांग्रेस द्वारा लिए गए हर फैसले के साथ खड़ा था, लेकिन अब ये मुश्किल हो गया है। आप एक केंद्रीय चरित्र वाली पार्टी नहीं चला सकते। चाको ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रदेश समिति की कोई भूमिका नहीं है। इस्तीफे की घोषणा के बाद कांग्रेस के पूर्व सांसद PC चाको ने कहा, मैं पिछले कई दिनों से इस फैसले पर सोच रहा था। मैं केरल से हूँ जहाँ कांग्रेस पार्टी जैसा कुछ नहीं है।
वहां दो पार्टीज हैं, कांग्रेस आई और कांग्रेस ए। वहां दो पार्टियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो केपीसीसी के रूप में काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा, केरल में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस वापस आए, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में गुटबाजी है। मैं हाईकमान से गुटबाजी को खत्म करने के लिए कह रहा था, लेकिन वो दोनों गुटों के तर्क से संतुष्ट हैं। चाको ने आगे कहा कि कांग्रेस एक महान पार्टी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता होना प्रतिष्ठा की बात है, लेकिन आज केरल में कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का आदमी नहीं है। जो भी लोग हैं वो या तो आई ग्रुप के हैं या फिर ए ग्रुप के, इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ने का ही फैसला किया। उनके मुताबिक कांग्रेस हाईकमान गुटबाजी पर मूक दर्शक बना हुआ है, जिस वजह से उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। वरिष्ठ नेता पीसी चाको के इस्तीफे को चुनावी मौसम में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चाको केरल के त्रिशूर संसदीय सीट का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पीसी चाको को दिल्ली का प्रभारी बनाया था। हालांकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद पीसी चाको ने कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था। पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु के अलावा केरल में भी विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव आयोग ने इस बार विधानसभा चुनाव सिर्फ एक चरण में करवाने का फैसला किया, जिसके तहत 6 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 2 मई को रिजल्ट आएंगे। वहीं बीजेपी भी केरल में जी जान से जुटी हुई है और हाल ही में मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने भी केरल में बीजेपी का दामन थामा था। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।